शासन ने काशीराम कॉलोनी में अपात्रों से आवास खाली करा लिए गए। यूपी के रामपुर में मड़ेया नागरबाग स्थित काशीराम कॉलोनी में अपात्रों से आवास खाली करा लिए गए। सोमवार को चले अभियान में 20 अपात्रों से आवास खाली कराए गए। प्रशासनिक अधिकारियों एवं पुलिस बल को देखकर काशीराम कॉलोनी में हड़कंप मच गया। वहीं काशीराम कॉलोनी के आवासों पर अपात्रों द्वारा कब्जे कर लिए गए हैं। कुछ लोगों ने आवास होते हुए जांच अधिकारियों को गुमराह करके आवास प्राप्त कर लिए। शिकायत मिलने पर पुनः जांच कराई गई और काशीराम कॉलोनी में लिए गए आवास के पट्टे को निरस्त कर दिया गया। काशीराम कॉलोनी के 160 आवासों पर अपात्रों से कब्जा मुक्त कराया जाना है। एडीएम जगदम्बा प्रसाद गुप्ता, तहसीलदार प्रमोद कुमार, ईओ पालिका डॉक्टर इंदु शेखर मिश्रा के नेतृत्व में अभियान चलाया गया। मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है, मंडल महासचिव भारतीय किसान यूनियन भानु। उस्मान जी, आज काशीराम में जो है प्रशासन चेकिंग कर रहा है, क्या मामला है पूरी बात? ऐसा है, बड़े पैमाने पर बिल्डिंगदारों को आवाज दे दिए गए थे, जो माननीय डीएम साहब से मैंने शिकायत करी है। माननीय डीएम साहब ईमानदार व्यक्ति हैं, जब से डीएम साहब रामपुर में आए हैं तो गरीब की सुनवाई हुई है। इससे पहले जितना भी शासन प्रशासन रहा है वो सब मालदारों का रहा है, गरीब सड़क पर रहा है। लेकिन मेरा प्रयास ये है कि आज गरीब जो है अपने आवासों में जाए और जो बिल्डर हैं और जो मतलब जो है पेशेवर जो किराया लेने वाले हैं वो सब बाहर जाएं सड़क पर। कितने लोगों के खिलाफ आपने जो है शिकायत की है? मैंने जो पूरी कॉलोनी में जितने लोग रह रहे हैं अवैध तरीके से, सभी लोगों के खिलाफ की है। पूरे जिले की कॉलोनियों के लिए की है, कोई यहीं की नहीं की है मैंने। आज क्या कार्रवाई हो रही है प्रशासन? आज कार्रवाई बिल्कुल ढंग से हो रही है, सही कार्रवाई हो रही है। प्रशासन अपनी कार्रवाई सही डंडा चला रहा, जो गलत लोग हैं उन्हें निकाला जा रहा, जो सही लोग हैं उन्हें छोड़ा जा रहा।